बेटे? माँ तुमने वादा किया था ना तुम मुझे फ्रांसिस से ले दोगी। हाँ हाँ वादा किया था मगर इम्तिहान में पास होने के बाद। माँ इम्तिहान में पास होने के लिए ट्रांसलेटर बहुत जरूरी है। वो कैसे? ट्रांसलेटर के बगैर तो पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगेगा। जब दिल नहीं लगेगा तो मैं पास कैसे होऊंगा? तुम ही सोचो माँ। नहीं नहीं बेटे, तेरे पिताजी पहले ही कहते हैं कि मैं तुझे बिगाड़ रही हूँ। माँ मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा था। मेरे दोस्त ने 1000 रुपए का ट्रांसलेटर खरीदा है और 400 में बेच रहा है। 600 का तुम्हें फायदा होगा। लेकिन बेटा तू ये पुराना माल क्यों खरीदता है? फॉरेन का माल है माँ, फॉरेन का देसी नहीं। और फॉरेन का माल कभी पुराना नहीं होता, जैसे विलायती लोग कभी बुड्ढे नहीं होते। अच्छा तेरे पिताजी आ जाए, एक बार उनसे पूछ तो लूँ। माँ वो कभी नहीं मानेंगे, वो तो माँ कंजूस है। हाँ बेटा मैं कंजूस हूँ, तेरी माँ की तरह मैं दानवीर कर्ण के घर नहीं पैदा हुआ। न रो बेटा। क्यों जी, मेरे बाप के घर तक क्यों पहुंच रहे हो? मैं बेटा कोई दहेज भी नहीं लाई थी। चल बेटा रेडियो मैं दिलाती हूँ, चल। ले दो ले दो, जरूर ले दो। एक चीज और भी ले दो इसे, थोड़ा सा जहर इसे खाने के लिए। ये ले, एक दो तीन और ये है चार। अरे ये क्या कर रहा है मेरा बेटा? बोले कबाड़ खाने के कितने पैसे चाहिए? जितने तेरी माँ ने दिए। माँ के बच्चे 100 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चोरी का माल है। चोरी मैंने अपने बाप के घर में किए, तेरे बाप के घर में नहीं। इसीलिए तो 100 रुपए दे रहा हूँ। मेरे बाप के घर में चोरी की होती तो बेटा जेल खाने में चक्की पीसता होता। बोल मंजूर है? चल निकाल यार। उस्ताद से उतर ही एक 10 रुपए निकाल। 10 रुपए किस बात के? मेरा कमीशन तेरी चोरी छिपाने के लिए। अगर मैं जाके तेरे बाप को बोल दूं तो तेरा क्या हाल होगा? बोल दूं? अकड़ी यार, मैं तो चोर हूँ, तू चोर का बाप है। तुझे आज पता चलेगा। हट। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां।